तेलुगु सिनेमा को आज के समय में अगर किसी ने दुनिया में पहचान दिलाई है तो वो है बाहुबली के एक्टर प्रभास और बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली, क्योंकि इन्हीं दोनों की मेहनत की वजह से ही बाहुबली जैसी फिल्म बन सकी जिसने दुनिया भर में कई रिकॉर्ड बनाए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैलेंटेड एक्टर प्रभास के बारे में, जो तेलुगु फिल्म की वजह से साउथ इंडिया में पहले से फेमस थे ही, लेकिन बाहुबली रिलीज होने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी न कि केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो चुकी है। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और शुरुआती समय में बहुत सारी नाकामयाबी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और अपने मेहनत के दम पर करोड़ों लोगों में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए दोस्तों, प्रभास की लाइव स्टोरी और लाइव स्टाइल जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रभास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रभास का पूरा नाम उपालापट्टी वेंकटा सूर्य नारायण प्रभास राजू है और प्यार से लोग इन्हें डार्लिंग और यंग रेबल स्टार भी बुलाते हैं। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ और 2021 के हिसाब से 42 साल के हैं। प्रभास ने स्कूल की पढ़ाई DNR स्कूल भिवारम से की, जिसके बाद इन्होंने BTech की डिग्री हासिल करी नालंदा कॉलेज हैदराबाद से, जिसके बाद प्रभास ने एक्टिंग कोर्स किया सत्यानंद फिल्म इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम से। अब बात करते हैं प्रभास के करियर के बारे में। प्रभास ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से की, लेकिन इनकी पहली फिल्म इतनी खास नहीं चली, जिसके बाद 2003 में प्रभास ने फिल्म राघे वंदरम में काम किया और 2004 में फिल्म वर्षम आई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, वैसे तो साल 2004 में इनकी एक और फिल्म अडावी रामुडू आई थी, लेकिन ये फ्लॉप रही। फिल्म वर्षम इनकी पहली फिल्म हिट साबित हुई, जिसके बाद प्रभास ने 2005 में फिल्म चक्रम और छत्रपति में काम किया और 2006 में फिल्म पौर्णमी और 2007 में फिल्म योगी और मुन्ना में काम किया, जिसके बाद प्रभास फिल्म पर फिल्म करते चले गए और बिल्ला, एक निरंजन, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, रीबल और मिर्ची जैसी फिल्म करी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन 2015 में इनकी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग आई, जिसे राजामौली ने डायरेक्ट की और 180 करोड़ की बजट की इस फिल्म ने लगभग 650 करोड़ रुपए कमाए और 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बन गई। इस फिल्म ने इतना सस्पेंस क्रिएट किया कि ऑडियंस इसका दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगी। और फिर 2017 में बाहुबली 2 द कंक्लूजन आई, जिसने धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और पहली ऐसी इंडियन फिल्म बनी जिसने 1000 करोड़ की कमाई की। और प्रभास ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाहुबली फिल्म रिलीज होने के बाद उनके पास 5000 मैरिज प्रपोजल आए थे और प्रभास साउथ इंडियन सिनेमा के पहले ऐसे एक्टर हैं जिनका स्टैचू बैंकॉक में बनाया गया है। 2019 में प्रभास ने बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म साहो से, जिसमें इनके अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी और सुपरहिट साबित हुई। और अब 2022 में प्रभास की 3 फिल्म आने वाली है, जिसके नाम है राधे श्याम, सलार और आदि पुरुष। अगर आप ये तीनों फिल्म रिलीज होने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना ये फिल्म आपको कैसी लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि प्रभास की अब तक की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। अब बात करते हैं प्रभास के हाउस के बारे में। प्रभास का एक सुंदर सा घर जुबली हिल्स हैदराबाद में है और इस घर में स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड और जिम जैसी हर फैसिलिटीज है। प्रभास अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर में रहते हैं और इनके इस घर की कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जाती है। चलिए मिलवाते हैं आपको प्रभास की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है उपालापट्टी सूर्य नारायण राजू, जो कि एक प्रोड्यूसर थे और अब हमारे बीच नहीं रहे, और इनकी माँ का नाम है शिवा कुमारी। और प्रभास का एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम प्रमोद उपालापति है और प्रभास की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम प्रगति है। बात करें प्रभास की गर्लफ्रेंड के बारे में, तो दोस्तों इंटरनेट पे ऐसे कुछ रूमर है कि प्रभास और साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस चीज को लेकर दोनों में से किसी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है, दोनों रिलेशन में है क्या, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं प्रभास के इनकम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रभास साउथ के हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर हैं और ये एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। दोस्तों प्रभास महिंद्रा एंड महिंद्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्होंने एडवर्टीजमेंट से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज प्रभास बहुत कम ब्रांड को इंडोर्स करते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास ने साल 2020 में 150 करोड़ रुपए के ब्रांड को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रभास थोड़े बहुत ब्रांड को इंडोर्स करते हैं जिसके लिए वो 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और इन्होंने 40 करोड़ रुपए की कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जिस वजह से इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास हर साल 70 से 80 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। अब बात करते हैं प्रभास के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 215 करोड़ रुपए।
वहीं बात करें प्रभास के कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इनके पास पहली कार है इनोवा क्रिस्टा जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए, और दूसरी कार इनके पास है BMW 520D जिसकी कीमत है 65 लाख रुपए, और तीसरी कार इनके पास है जैगुआर XJL जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, और चौथी कार प्रभास के पास रेंज रोवर वॉग है जिसकी कीमत है 2 करोड़ 40 लाख रुपए, और पांचवी कार इनके पास रोल्स रॉयस घोष सीरीज 2 है जिसकी कीमत है 5 करोड़ 25 लाख रुपए, और प्रभास के पास लास्ट कार है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस रोडस्टर जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए। वहीं बात करें प्रभास के बाइक कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इनके पास बाइक है रॉयल इनफील्ड 500 जिसकी कीमत है 3 लाख रुपए, और इसके अलावा इनके पास सुजुकी इंटरडर भी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, और दोस्तों इनके पास 15 लाख रुपए की हायाबूसा भी है, और लास्ट बाइक इनके पास कावासाकी निंजा S2 है जिसकी कीमत है लगभग 30 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी प्रभास की लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।